हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय सेल्फ एस के अग्रवाल। और दो दिन के बाद में वापस मिल रहे हैं अपन एक न्यू क्लास के साथ। देखो, दो दिन का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था क्योंकि मैंने जो सेट की प्रवेश जो पेपर की बुक निकाली है उसी के सिलसिले में थोड़ा सा बिजी थी। और जो भी स्टूडेंट्स के जो ऑर्डर आए थे स्पीड पोस्ट वाले, उनके सैटरडे को लगा दिए थे और कुछ ऑर्डर जो है वो आज लगा देंगे। तो जैसे जैसे आप स्पीड पोस्ट के लिए आप एड्रेस भेजते हो, पेमेंट करते हो, उसी दिन कोशिश करूंगा कि आपकी स्पीड पोस्ट है वो लगा दी जाए, ठीक है। और जयपुर के अंदर मैंने बुक दे दी है, टोंक फाटक के ऊपर भी दे दी है और मेहता बुक पब्लिकेशन जो है वहाँ पर है। और चौड़ा रास्ता के अंदर अपन देखें तो बुक शर्मा के नाम से नाम है कुछ, बुक नंबर शॉप नंबर अपन कहें 134 और 147। सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ में यहाँ पर है जोशी बुक डिपो के नाम से बुक भंडार। और कोई भी स्टूडेंट जो खास तौर से श्री माधोपुर के हैं तो वहाँ से वो MGPG कॉलेज के जो लेक्चरर हैं प्रमोद सर, वहाँ से आप ले सकते हो। इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक। अपना चल रहा था देखो न्यूक्लिक एसिड के सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में छोटी छोटी चीजें हैं कुछ जो एग्जाम से रिलेटेड पूछी जाती है, अपन उन्हीं की बात करेंगे ज्यादा डिटेल में बात ना कर करके। तो देखो पहला तो अपना टर्म चल रहा था ये बताओ, ये चीजें अपन ने पहले भी बात कर लीजिए। इसमें देखो दो चीजें अपन पहले बात करते हैं, आपके टर्म यूज में आते हैं एक तो न्यूक्लियोटाइड और एक आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड तो इधर मैं न्यूक्लियोटाइड लगा देता हूं, ठीक है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। आपको कई बार एग्जाम के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप कहीं ना कहीं ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि इनमें क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा और इसमें क्या आएगा। तो देखो पहली चीज तो है न्यूक्लियोसाइड, जिसमें केवल प्रेजेंट क्या है नाइट्रोजन बेस और शुगर प्रेजेंट हो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो यहां पर प्लस शुगर, उसे अपन क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जिसमें तीनों चीजें प्रेजेंट हो। कौन सी? नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट हो, पेंटोज भी प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन बेसिस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तीनों प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और ये न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर अपन ने फॉस्फेट लगा रखे हैं ये तीन अल्फा बीटा और गामा, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक न्यूक्लियोटाइड की है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये देखो ये तो है एडेनिन, तो यहां पर अगर इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कौन सी कंडीशन है, एडेनोसिन मतलब एटीपी की स्ट्रक्चर है तो यहां पर आ जाएगा एटीपी। एटीपी के ऊपर चार्ज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, चार्ज पूछा जाए तो कितना है -4, जो यहां पर चार्ज बताया था 1, 2, 3 और 4, तो ये इसका चार्ज है एटीपी का, 4 माइनस का चार्ज आता है, ये एटीपी की स्ट्रक्चर है। इनको आगे मैं बताऊं आपको, इसको वापस बना देंगे अपन। देखिए पहली चीज अपन यहां पर देखते हैं, ये अपन देख रहे हैं यहां पर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में सबसे पहले एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर मतलब राइबोस शुगर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एडेनोसिन। एडेनोसिन किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है ना, ये किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है। गुआनिन प्लस पेंटोज, पेंटोज का मतलब यहां समझ जाना आप लोग, राइबोज लिख रहे हैं अपन, पेंटोज कौन सा, यहां पर राइबोज पाया जाता है तो गुआनोसिन।
ये आ जाएगा गुआनोसिन। थर्ड की अपन बात करें साइटोसिन, प्लस शुगर। पेंटोज तो यहां पर आ जाएगा साइटिडिन। ठीक है, तो ये भी क्या है एग्जाम्पल, किसके चल रहे हैं न्यूक्लियोसाइट के एग्जाम्पल चल रहे हैं। फोर आ जाएगा यूरेसिल प्लस पेंटोज, यहां पर आ जाएगा यूरीसाइड, यहां पर यूरीडीन आ जाएगा इसका यूरीडीन। ये किसका एग्जांपल है यूरेसिल का जो पेंटो साथ में जुड़ता है, तो यहां पर बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है यूरीडीन। जो किसका एग्जांपल है ये यूरेसिल का एग्जांपल है। अगला आ जाएगा थाइमिडीन, तो यहां पर थाइमिन प्लस पेंटो शुगर, तो यहां पर थाइमिन, यहां पर आ जाएगा इसका थाइमिडीन। तो ये क्या जाएंगे इसके पेंटोज न्यूक्लियोसाइट्स। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ आपको ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड आपके हैं एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, साइटोसिन नहीं होता है, आपको याद रखना साइटोसिन न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल रखना साइटोडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन, मतलब जो प्यूरिन है उनमें तो कौन सा लग रहा है सीन, मतलब एडेनिन एडेनोसिन, गुआनिन गुआनोसिन, ये तीनों क्या है पाइरिमिडीन। तो पाइरिमिडीन में देखो इन्होंने क्या लगाया है लास्ट के अंदर सब में साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, तो यहां पर लगाया है इन्होंने डीन। आपको याद रखना है जो भी थायमिन, मतलब अपन कहें पाइरिमिडीन की बात करें तो उनमें लास्ट में क्या लगाया है डीन लगाया है, और प्यूरिन जो है उनमें क्या लगाया है साइन लगाया है या सिन लगाया है। तो यहां पर एडेनोसिन गुआनोसिन और पाइरिमिडीन स्टार्ट हो गए, तो साइटिडीन यूरिडीन और थायमिडीन, ये आपको थोड़े से याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सेम चीजें वही आएगी, कौन सी, इसमें एडेनिन प्लस नाइट्रोजन बेस पाई गया प्लस शुगर लगा दिया अपन प्लस फॉस्फेट पहला आ जाएगा। तो पहला अगर अपन इसको लिखें तो अपन इसको क्या लिखेंगे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, या फिर अपन लिख सकते हैं एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट एएमपी। ये क्या है न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल है। जब भी आप न्यूक्लियोटाइड लगाओ, न्यूक्लियोटाइड आप जब भी लगाओ, अगर आपने फॉस्फेट साथ में लगाया है तो यहां पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा एडेनोसिन दिखाना पड़ेगा। क्यों, मैंने क्या बताया जब एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें जैसे आप फॉस्फेट जोड़ोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। तो जब भी आप ये लिखो इस कंडीशन में कि न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखो, तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होता है जो भी टर्म है उसके पहले आपको न्यूक्लियोसाइड लगाना है। देखो इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, अपन गुआनिन को आप कैसे लिखोगे न्यूक्लियोटाइड ग्रुप में, तो गुआनोसिन आएगा पहले, देखो ऐसे आएगा गुआनोसिन। फॉस्फेट अलग से लगाना है तो वो हो सकता है फॉस्फेट मोनो हो, डाई हो या ट्राई हो, तो यहां पर आप लगा सकते हो मोनो फॉस्फेट, तो ये जीएमपी।
थर्ड की अपन बात करें तो यहां पर आ जाएगा सी। अब कौन सी स्टार्ट हो गई? पाइरिमिडिन वाली स्टार्ट हो गई, तो यहां पर साइटिडिन आएगा पहले। साइटिडिन आ गया पहले, क्योंकि लिखना क्या है, न्यूक्लियोसाइड लगाना आपको। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? साइटिडिन होता है। यहां पर मोनो लगा दो, ये सीएमपी आ गया। यहां पर आप लगा दो यू, तो यहां पर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। चार लग पांच लगा दो, तो यहां पर टी लगा दो, थायमिडीन, तो यहां पर आ जाएगा थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये लो, ये किसके एग्जांपल है? न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल है। न्यूक्लियोटाइड को जब भी आप लिखोगे तो हमेशा एडेनोसिन मतलब इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में। समझने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो फॉस्फेट लगाया अगले। अगर फॉस्फेट आपको नहीं लगाना है तो डायरेक्ट आप न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका आपको एग्जाम्पल आगे मैं बताता हूँ, एक छोटी सी चीज, चलो मैं आगे बता दूंगा वो आपको, पहले ये देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको उतार लो आप लोग, देखो अब अपन देखते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में। न्यूक्लियोटाइड की वैसे स्ट्रक्चर मैंने बता दी थी लास्ट में, देखो अपन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में वापस मैं आपको बता रहा हूं आपको लिखना क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट, तीन चीजें इसके साथ लगानी है आपको। अब न्यूक्लियोटाइड में अपन देखें, सबसे पहला अपना आ जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा बॉन्ड लगाना आपको? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखो, पहली बात तो किससे बनता है हमेशा? ग्लाइकोसाइड मतलब ग्लूकोज या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहां पे कौन सा है? राइबोज है। तो राइबोज जब नाइट्रोजन बेस के साथ में बॉन्ड बनाता है ये वाला, तो ये बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है तो वो कौन सा देखने को मिलता है? एन 9-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। N तो किसका हो गया? नाइट्रोजन बेस का हो गया। 1 कार्बन किसका हो गया? राइबोज शुगर का हो गया, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बीटा 19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पर वन तो आ गया किसका? बीटा राइबोज का। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो राइबोज होते हैं उनकी जो स्टीरियोइसोमर कंडीशन होती है वो कैसी होती है? बीटा डी राइबोज। ये आपको, ये मान लो किसी भी एग्जाम में आपको याद रखना है कि डीएनए या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए उनके अंदर राइबोज किस फॉर्म में पाया जाता है? तो बीटा डी राइबोज के फॉर्म के अंदर पाया जाता है। बॉन्ड कौन से होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? नाइट्रोजन बेस का तो 9 बॉन्ड, ये मतलब आप 9, आप 9 लगाने के बजाय आप एन लगा लो, एन लगा लो, 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लगा लो। क्योंकि जब 9 लगाओगे आप तो देखो कौन सा आएगा। 9 लगाओगे इसका मतलब तो ये है प्यूरिन। प्यूरिन में तो कौन सा बनता है? 9 बनता है। और अगर आप इसकी बात करो, इसकी बात करो
जैसे ये साइटोसिन है, तो साइटोसिन में यहां पर देखिए अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कौन से जुड़ेगा इसके साथ जुड़ेगा, इसका मतलब पाइरिमिडिन की अपन बात करें तो N1 पाइरिमिडिन, तो कौन सा नाइट्रोजन काम आएगा, प्यूरिन में तो 9 और पाइरिमिडिन में 1, लेकिन राइबोज हमेशा कौन सा होता है, राइबोज हमेशा 1 कार्बन के साथ में जुड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से बनाता है, तो 1 कार्बन ऑफ राइबोज, राइबोज का 1 कार्बन हमेशा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में बॉन्ड यूज में आता है, और किस फॉर्म में होता है वो बीटा बॉन्ड बनता है, तो ये आप याद रखना बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो शुगर के अंदर देखने को मिलता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी चीज अपन देखें कि ये जो होता है वो कैसा होता है, एंटी रोटेटरी बॉन्ड होता है, एंटी रोटेटरी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, कौन से की बात करें अपन, ये बात करें अपन N9 की, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, मतलब अपन बात कर रहे हैं प्यूरिन की, तो प्यूरिन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एंटी रोटेटरी, क्योंकि इसमें तो सेम एक यहीं से जुड़ेगा इसलिए इसमें एंटी रोटेटरी जैसी कंडीशन आएगी नहीं, यहां तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें डबल रिंग होती है इसलिए यहां पर पाई जाती है एंटी रोटेटरी। दूसरी चीज अपन देखें, एक स्ट्रक्चर अपन बना ले पहले, देखो जो स्ट्रक्चर मैंने अभी भी बनाई थी वो स्ट्रक्चर वापस बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर किसकी है, राइबोज शुगर की, यहां पर आपको बना देता हूं एडेनिन, और यहां पर आ जाएगा CH2, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, बीटा 19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि एडेनिन जो है वो क्या है, प्यूरिन है, और प्यूरिन के अंदर 9 एन के साथ में आकर क्या होता है, ये जुड़ता है, यहां पर कार्बन कौन सा है 1, बीटा फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए यहां पर अपन जोड़े हैं फॉस्फेट, ये कंडीशन है, ठीक है, यहां इसमें देखें अपन ये जो फॉस्फेट है वो कैसा है, अल्फा बीटा और गामा, कितने फॉस्फेट पाए जाते हैं, 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं। अगला अपन लिंकेज देखते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, यहां पर अल्फा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, बीटा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और गामा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है, 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। अब ये स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो किसकी है, एटीपी की स्ट्रक्चर है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, आपको जब भी एटीपी का नाम आता है तो आपसे अगर पूछा जाए कि एटीपी जो है वो क्या डीएनए में रखें या फिर आरएनए में रखें, तो आपको किस में रखना है, डीएनए में, आरएनए में रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि यहां पर देखो 2 नंबर प्राइम पर क्या प्रेजेंट है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट, मतलब डीऑक्सी कंडीशन नहीं है, राइबोज कंडीशन है, राइबोज कंडीशन है मतलब आरएनए है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आपको देखो फॉस्फेट की बात करें अपन, यहां पर जो लिंकेज है एक तो ये और एक ये दोनों बॉन्ड जो कैसे होते हैं, हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं, और इससे अपन क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्रिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, एसिड एनहाइड्रिक
एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं, या फिर कैसे हैं, एस्टर बॉन्ड। कौन से एस्टर बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ये, ठीक है। ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं कौन से वाले, बीटा एंड गामा एस्टर बॉन्ड, एनर्जी रिच, कैसे होते हैं ये, एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं सबसे ज्यादा। अल्फा वाला जो होता है वो कम एनर्जी वाला रिच बॉन्ड होता है, जबकि ये दोनों जो है हमेशा एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। क्योंकि जब भी आप देखते हो कि जैसे एटीपी है वो ब्रेक होती है, तो किसमें होती है पहले, पहले कौन सा निकलेगा, पहले वाला ये निकलेगा, मतलब जो गामा है ये पहले निकलेगा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होता है हाईएस्ट एनर्जी रिच, ये कौन सा है, हाईएस्ट एनर्जी रिच बॉन्ड, मतलब एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी निकलती है। तो जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो कई क्वेश्चन पूछा जाता है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो कितने एनर्जी निकलती है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि ये बॉन्ड जब टूटता है उसमें 7.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो निकलती है। देखो एक पेपर मैंने जो बुक निकाली, इस पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मुझे नहीं पता किसमें आया हुआ, लेकिन उसमें ऐसा पूछा गया है कि जब फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो टूटता है तो इसमें कितनी एनर्जी निकलती है, तो इसमें दिया गया है तो 7 जो है यहाँ, इसकी 7 में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके अंदर, पहली बात तो 7000 के आसपास में या 7 किलो कैलोरी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पर एक ऑप्शन माना था तो कमीशन ने 12000 कैलोरी, जबकि यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना होना चाहिए 7200 कैलोरी, ये होना चाहिए, या मतलब 7300 कैलोरी, और पॉइंटों में देखे तो 7.3 किलो कैलोरी ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी इन्होंने ये माना है कमीशन ने। तो देखो नियरेस्ट आपके जो भी हो कि ये ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इसके आसपास में देख लेना 7.3 के आसपास में कौन सा, 8000 9000 कोई भी हो तो वो देखना। आपको पहली चीज ये देखनी है आपको किलो कैलोरी में पूछ रहा है या कैलोरी में पूछ रहा है, वो आप कैलकुलेट कर लेना वहां पर, ठीक है। सबसे एनर्जी हाइजेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका, गामा जो बॉन्ड है वो सबसे एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। दूसरी चीज अपन देखें कि जब भी आपको कोई रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ऐड करना हो, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, तो वो कहां पे अटैच होता है, तो वो हमेशा अटैच होता है गामा वाली पोजीशन पे, ठीक है ना। गामा के ऊपर सबसे ज्यादा जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फेट अटैच अपन करते हैं, जो डीएनए के साथ में, अगर डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करना आपको, देखो दो कंडीशन है, अगर आपको रेडियो आइसोटोप एड इन न्यूक्लिक एसिड में अगर आपको ऐड करना है, क्या करना है, रेडियो आइसोटोप, ठीक है ना, फॉस्फेट ऐड करना है आपको P32, आपको ऐड करना है। अब आपको ऐड कहां ऐड करें, देखो दो कंडीशन है, अगर कोई भी डीएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, तो ये बीच में जो फॉस्फेट है, यहां पे क्या है, फॉस्फेट, और लास्ट वाला जो होगा उस पर कितने फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे। इसका मतलब अगर आपको न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब किसी डीएनए के बीच में आपको इनकॉर्पोरेट करना है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तब तो आपको कौन से लेबल करना पड़ेगा, देखो तब तो आपको लेबल करना पड़ेगा अल्फा पे, अगर आपको बीच में ऐड करना है न्यूक्लियोटाइड में तो अल्फा फॉस्फेट, क्योंकि ये बीच में रहते हैं और तो अल्फा बीटा तो निकल जाते हैं यहां से, ये जो दोनों ये तो निकल जाएंगे यहां से, केवल ये बचेगा एक। अगर आपको किसी डीएनए सिंथेसिस में सीक्वेंसिंग ज्ञात करनी है, आपको पूछा जाए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालने चाहते हो आप तो कौन सा इसमें से यूज में लोगे, तो आपको अल्फा लेना है। अगर किनारा पे हो कोई, किसी एंड के ऊपर हो कोई फॉस्फेट, तब आपको कहा जाए कि अब इनमें से कौन सा फॉस्फेट है जो रेडियो एक्टिव लेना चाहोगे, तो आपको हमेशा गामा जो है
रेडियो एक्टिव यूज में लोगे, क्योंकि ये लास्ट वाला रह जाता है इसमें। इसमें बीच में अगर आप ये ऐड कर दो तो निकल जाएगा बीच में, तो कौन सा बचेगा? अल्फा बचेगा। इसलिए बीच में जब भी ऐड करना हो तो अल्फा होना चाहिए रेडियो एक्टिव, और लास्ट वाले में ऐड करना होता कौन सा होना चाहिए? गामा रेडियो एक्टिव होना चाहिए, वो लास्ट तक यहाँ पर रहता है। तो ये कंडीशन इसकी थी। अब आगे मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। देखो दो चीज की अपन नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग अपन क्या करते हैं, दो प्रकार की करते हैं। नंबरिंग किसमें? न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब नंबरिंग करते हैं अपन, दो प्रकार से करते हैं। पहली चीज नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस की जब भी आप नंबरिंग करो तब तो आती है 1, 2, 3, 4, ये कंडीशन आती है। लेकिन राइबोज की करो तब कैसी आएगी? अगर आप कई बार ये क्वेश्चन देखो आपको इंटरव्यू में कहीं थ्योरेटिकल कई बार पूछा जाता है कि आप नंबरिंग जब भी करते हो 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसे करते हो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की जब भी बात आती है तो आप ऐसा क्यों लिखते हो प्राइम? तो आपका इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड है ये, इस न्यूक्लियोटाइड में राइबोज भी है और नाइट्रोजन बेस भी है। अगर हम सबको नंबरिंग से करेंगे तो बताने वाला ये नहीं बता पाएगा कि वो नंबरिंग शुगर की बता रहा है या फिर नाइट्रोजन बेस की बता रहा है। जब नाइट्रोजन बेस और शुगर एक साथ में हो और उन्हें डिफ्रेंशिएट करना हो आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तब आप नाइट्रोजन बेस में तो नंबरिंग लिख दो 1, 2, 3, मतलब इस वाले सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन राइबोज की करो तो प्रत्येक कार्बन के ऊपर आप प्राइम लगा दो, इसका मतलब 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। तो प्राइम जहां भी टर्म लगेगा वो डिनोट किसको करता है? केवल राइबोज शुगर को। तो राइबोज शुगर को प्राइम 1, 2, 3, 4, 5 प्राइम के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों में अलग अलग नंबरिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जब एक साथ में आता है तब नंबरिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए इन साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग नाम रख दिया। इन्होंने नंबरिंग नॉर्मल रख दी, इसका नाम प्राइम रख दिया। जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं, डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है। इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। 5 प्राइम शुगर इधर है और 3 प्राइम शुगर इधर है, इसका मतलब शुगर है दोनों एंड के ऊपर। तो यहां पर 3 प्राइम मतलब OH और 5 प्राइम मतलब फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, लेकिन शुगर की बात कर रहे हैं, प्राइम जब भी आएगा शुगर को डिनोट कर रहा है। दूसरी चीज, छोटी सी चीज है, देखो अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर छोटी सी चीज, आपको कई बार चार्ज मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया, हालांकि फिर भी आप देख लेना AMP-2 ATP-3 ATP-4, ये चीज इसकी चार्ज याद रखना आप इनको, किस नाम से जाना, इस नाम से इसकी चार्ज है। तो एटीपी में चार्ज कितना हो गया, 4 है। ये इस प्रकार से कई बार आपको ये पूछा जाए कि प्रीकर्सर्स, डीएनए प्रीकर्सर, डीएनए का प्रीकर्सर जब भी आता है तो डीऑक्सी आएगा, उसे ऐसे लिखते हैं अपन डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, ये डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। मतलब आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइफ में जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डीएनए का या आरएनए का जो प्रिकर्सर होता है, यहां पर डीएनए का बता रहा हूं, पहले आरएनए का बताऊंगा, डीएनए का प्रिकर्सर जो होता है, जब भी प्रिकर्सर का कहीं नाम आए तो आपको क्या लगाना है, फॉस्फेट आप साथ लगा रहे हो किसी का भी, अभी भी मैंने बताया आपको, फॉस्फेट जब भी लगा रहे हो तो आगे हमेशा न्यूक्लियोसाइड आएगा,
आगे हमेशा क्या आएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट नहीं लगाते हो तो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड लगा दो डायरेक्ट, इसका मतलब टाइड लगा दिया तो पहले इसमें फॉस्फेट इंक्लूड है, लेकिन फॉस्फेट अगर अलग से लगा रखा आपने तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड लगाना कंपलसरी है। तो ये इसका प्रीकर्सर आ जाएगा। कभी भी प्रीकर्सर पूछा जाए तो हमेशा याद रखना न्यूक्लियोसाइड ही आएगा, टाइड नहीं आएगा। टाइड आएगा सिर्फ फॉस्फेट नहीं आएगा। तो यहां पर अगर अपना आरएनए का देखा जाए तो यहां पर आरएनए का आ जाएगा एनटीपी, तो यहां पर आ जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये आ जाएगा इसका। एक क्रम और आता है, डी डी एनटीपी, डाई डी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, खास तौर से यूज में आता है किसमें, जो एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है ये न्यूक्लियोटाइड, खास तौर से उनकी डीएनए रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग में काम आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग खास तौर से चैन टर्मिनल मेथड उसमें भी काम आता है डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड। और खास तौर से मैंने आपको बता दिया जो अपन बात कर रहे हैं एचआईवी वायरस है उसके ट्रीटमेंट में, और एंटी ट्यूमर कैंसर एंटी एचआईवी, इनसे रिलेटेड जो भी है किसी भी डीएनए को आपकी उसको रेप्लिकेशन को रोकना चाहते हो, वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना चाहते हो, डीएनए की बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को रोकना चाहते हो तो आप ये डाल दो, उसमें उसका रेप्लिकेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है डाइडीऑक्सीन होता है, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये जो फॉस्फेट है यहां पर एच और यहां पर भी एच, यहां पर एच और यहां पर भी एच, मतलब दोनों पे ओएच क्या होता है एब्सेंट होता है, मतलब ओ एब्सेंट, टू पे भी और थ्री पे भी, तो ना तो यहां पर कोई आके न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है ना यहां पर जुड़ सकता है, इसका मतलब डीएनए का यहीं पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये आज के लिए अपना लेक्चरर था, अगली क्लास में अपन नए वीडियो के साथ मिलेंगे। देखो आज का थोड़ा सा टाइम का अभाव था तो मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने छोटी मोटी चीजें रखने की, और जो भी स्टूडेंट्स स्पीड पोस्ट से बुक मंगाना चाहते हैं वो स्पीड पोस्ट से मंगवा सकते हैं, और जयपुर के अंदर जहां भी पॉसिबल हो वो आपको कमेंट में अंदर बता दिया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो कंप्लीट होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।